दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज में अब मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी से टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं। और इस तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया, जिसमें टॉप 100 कवर किया, फिर मिडिवल हिस्ट्री को कवर किया, देन मॉडर्न हिस्ट्री में 200 क्वेश्चन को मैंने कवर कराया, फिर हम लोगों ने कवर किया पॉलिटी विषय को, फिर कवर किया वर्ल्ड ज्योग्राफी को, फिर कवर किया इंडियन ज्योग्राफी को, फिर कवर किया फिजिक्स को, फिर कवर किया केमिस्ट्री को, और अब नंबर लग चुका है बायोलॉजी का। यह आपका नौवां विषय है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पर डिटेल में आपको चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दीजिए, यह हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखेगा, बायोलॉजी के बाद जो हमारी अगली सीरीज आने वाली है वो आने वाली है वनस्पति विज्ञान की, यानी बॉटनी से भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं, इस वजह से हम उसे भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन से प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। एक चीज और याद रखेगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया है, तो ये आपके लिए बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से और चैप्टर वाइज पढ़ने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रहा दोस्तों यहां पर शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी, डीपीटी का जो टीका लगता है यह किन रोगों से उसकी रक्षा करता है? ठीक है, जल्दी से बताइए, शिशुओं को जो है डीपीटी का टीका लगता है, ये डीपीटी का टीका उनको किस रोगों से रक्षा करता है? यहां पर रोगों का नाम दे रहा है, तो याद रखिए डी माने होता है डिप्थीरिया। क्या होता है डी माने? डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोहिणी। तो याद रखिएगा रोहिणी। और दूसरा रोग है काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है, और तीसरा है टिटनस। ठीक है, तो इस तीनों का नाम याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि डीटीपी का टीका जो है यह तीन संक्रामक रोगों के लिए शिशु से रक्षा करता है, रोहिणी, काली खांसी और टिटनस। याद रखिए जो रोहिणी है यानी जो डिप्थीरिया है, यह कैसे फैलता है? तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है, तो यह डिप्थीरी लाश से लिया गया है। ठीक है, उसी तरह से काली खांसी जो है यह हीमोफिलस पर्टिसुस से आता है, बैक्टीरिया का नाम है, तो पर्टिसुस यहां से लिया गया, तो याद रखिए डी हो गया, पी हो गया। और टिटनस में क्या होता है? टिटेनी होता है, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये हो गया डीपीटी। तो ये यहीं से फुल फॉर्म बनता है, डीपीटी का फुल फॉर्म भी क्या हो गया? डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टिसिस और टिटेनी। ये तीन चीजें आपको याद रखना, तीन शब्द याद रखना, परीक्षा में यह भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सा औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, पहला दे रहा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया हुआ था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऐसा यहां पर दिया जा रहा है। दूसरा दे जा रहा है चेचक का टीका, इसको किसने बनाया था? एडवर्ड फ्लेमिंग ने बनाया था। तीसरा दे रहा है पोलियो का टीका, जोनास साल्क ने बनाया था। और चौथा दे रहा है इन्फ्लुएंजा का टीका, जिसको मॉरिस हिलमैन ने बनाया था। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बात और याद रखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको आप इसका टेस्ट भी आकर दे सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप आकर के इसका टेस्ट दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा भी वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पीछे की सीरीज आपको कंप्लीट करा दी गई, जो पढ़ा दिया गया है, कम से कम उनका टेस्ट जाकर के एक बार आप दे लीजिए, वो आपके लिए बड़ा ही हितकारी होगा, बड़ा ही लाभदायक होगा। चलिए यहां पर सुनिएगा, तो यहां पर पहला वाला सही है दोस्तों, पेनिसिलिन के जो टीका बनाया था, खोज किया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग ने किया था। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने बनाया था। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा किस बीमारी को कहा जाता है? फ्लू का नाम सुना है ना, उसी से संबंधित है इन्फ्लुएंजा, तो फ्लू की बीमारी से संबंधित है और यह वायरस से फैलता है। यह टीका जो दे रहा है कि इसकी खोज मॉरिस हिलमैन ने किया, यह गलत है, तो चौथा वाला यहां पर गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर का तीन जो है वो सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिए, प्रोटोजोआ जनित रोग में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो मलेरिया जो है दोस्तों, मलेरिया किससे फैलता है? ये प्लाज्मोडियम से फैलता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है पायरिया किससे फैलता है? तो याद रखिए एंट अमीबा जिंजिवेलिस से फैलता है। पायरिया दांत से संबंधित रोग होता है, दांत में कीड़े लग जाते हैं। तीसरा है निद्रा रोग, ये कह रहा है ट्राइकोनस मेंजाइलिस से फैलता है। दोस्तों ये मुझे लगता है गलत है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जहां पर सदाबहार
वन होते हैं या बहुत घने जंगल होते हैं, वहां पर एक विशेष तरह की मक्खी पाई जाती है, खास करके अफ्रीका के जंगलों में। ठीक है, उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, टीसी मक्खी भी उसको बोलते हैं, या ज्यादातर सही होता है सीसी मक्खी। कौन सी? सीसी मक्खी। और ये मक्खी अगर किसी को काट लेती है तो व्यक्ति को जो है जरूरत से ज्यादा नींद आने लगती है, तो वो सीसी मक्खी यहां पर होना चाहिए, उसका जो है नाम होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अमीबी पेचिस जो होता है ये दूषित जल के सेवन से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका नाम है, तो यहां पर चौथा वाली भी सही है। तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों यहां पे गलत हो जाएगा, निद्रा रोग। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, करें निद्रा रोग जो है ये, या फिर अफ्रीकन निद्रा रोग जो है ये ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई नाम के एक परजीवी के संक्रमण से फैलता है और सीसी मक्खी काटने से, याद रखेगा। करें इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर आता है, बड़ा तेजी से बुखार होता है, सिर दर्द, खुजली आदि समस्याएं होती है, और उसे लंबे समय तक जो है नींद भी आती रहती है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गजब यार, आज कितना कूट वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, कुछ ज्यादा ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। करण हैजा, हैजा विब्रियो कॉलेरी से, काली खांसी बैसिलस पर्टिसस से, और साल्समोनेला टाइफी, ठीक है, मियादी बुखार, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, इसमें से एक तो आपको पता होगा, अभी पीछे मैंने काली खांसी के बारे में बताया, कुकुर खांसी, अरे वही जो डीपीटी का टीका दो था, तो डीपीटी का टीका मैंने बताया कि पर्टुसिस, ये सही है। हैजा भी बिल्कुल सही है, याद रखिए, कॉलेरी, कालरा, हैजा, कॉलेरी से कॉलरा याद रखिएगा, कालरा से हैजा आपको याद रहेगा। मियादी बुखार जो होता है दोस्तों ये टाइफी से फैलता है, ठीक है, टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। कुष्ठ रोग जो दे रहा है दोस्तों यहां पर माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस गलत दे रहा है, आपने लेप्री का नाम सुना होगा कुष्ठ रोग में, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री का नाम सुना होगा, उस बैक्टीरिया से यह कुष्ठ रोग जो है फैलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करें माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइटोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणुओं के कारण यह कुष्ठ रोग जो है यह फैलता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से कठिन कठिन प्रश्न आजकल बायोलॉजी में खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि अगर आप आज के ट्रेंड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आप परीक्षा में जो 2-4-5 नंबर से पीछे रहते हो ना, एक बार इस सीनसीईआरटी सीरीज को देखो, आपको लगेगा वाकई आपके एग्जाम में इतनी हेल्प तो कर ही सकता है कि आपको पुश करके कम से कम वो लक्ष्मण रेखा पार करा दे। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले ये एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें निम्नलिखित विषाणु जनित रोगों को उनके उनके कारक विषाणुओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए, खूब कथन कारक दिया है, जी भर के आज ही पूछ लो, दोबारा पूछेगा नहीं लगता है। चलो क्या करना है, करें गैल्सुआ, लीजा वायरस, रेबीज, बैरियोला मेजर, खसरा, मीजल्स वायरस, और चेचक जो है ये पैरामिक्सो वायरस। बड़ा कठिन दे दिया भाई। रेबीज लीजा, रेबीज आपने सुना, नाम सुना होगा। ठीक है, रेबीज जो होता है दोस्तों, रेबीज ये किस वायरस से फैलता है? लीजा नामक एक वायरस होता है, तो बी का यहां पे मैं 1 सेट कर देता हूं, एक बार मैच करा लूं, बी का 1, तो यहां पर देखिए सेट कर दिया बी का 1 ना, बी का 1 मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 बन सकता है। ठीक है, यानी गलसुआ जो दोस्तों ये पैरामिक्सो वायरस से फैलता है, और खसरा जो दे रहा है यहां पर ये मीजल वायरस हो गया, और चेचक जो दे रहा है ये वेरियोला मेजर। इसमें से 2 सबसे आसान है, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको आप याद रखेगा। देखिए इसका नाम ही याद रख लीजिए ना, रेबीज लीजा, इसका नाम अलग अलग मत पढ़िए, आप इसको रेबीज लीजा बुलाया करिए हमेशा, कभी जिंदगी में आपको भूलेगा ही नहीं कि रेबीज वाला जो रोग होता है लीजा वायरस से फैलता है। और दूसरा दोस्तों जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है चेचक के बारे में, तो चेचक याद रखेगा, चेचक वेरियोला, क्या? चेचक वेरियोला याद रखेगा। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आपको जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को देख लीजिए, परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। ये बात वहीं पर लिख रहा है, गलसुआ जो है पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से फैलता है, रेबीज लीजा वायरस के संक्रमण से, खसरा मीजल्स वायरस के संक्रमण से, और चेचक जो है वेरियोला के संक्रमण से फैलता है। ठीक है, आगे देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? कारण क्या है? किण्वन। और यह किण्वन किस बैक्टीरिया से होता है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो दूध में जो किण्वन होता है उसके बाद दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, यह लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है, एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। लैक्टोबैसिलस करिएगा, यह माइकोबैक्टीरियम मत करिएगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस यहां पर दे रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध
उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है और लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। यही लैक्टिक एसिड दूध को दही के रूप में जमा देता है, ठीक है, और दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रसीतन किस प्रकार खाद्य परीक्षण में हमारी मदद करता है? दोस्तों, प्रसीतन की प्रक्रिया में होता क्या है कि आप जानते हैं ना कि जब किसी भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रख दिया जाता है तो भोज्य पदार्थ ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया का प्रभाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो याद रखिए, यहां पर कल भी एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री वाले में भी, तो याद रखिएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम कर देता है प्रसीतन, उसकी वजह से खाना ज्यादा समय तक सुरक्षित रह पाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। यह काफी आसान है, कल भी पढ़ाया था, कई बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो होता है ये किससे मिलता है? अरे एंटीबायोटिक्स, आप जाते हो ना डॉक्टर, जब आपको कोई ज्यादा ही दवाइयां दे देता है या फिर आपको किसी का तरह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो डॉक्टर दवा में हमेशा एंटी बैक्टीरिया वाली दवा देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वाली दवा देते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ये किससे बनता है? तो ये कवकों से बनता है, याद रखेगा। ज्यादातर लोग यहां पर गलती करते हैं, ठीक है, और मुझसे भी कई बार गलती हो चुकी है। तो कवक याद रखेगा दोस्तों, कवकों से एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। देखिए यहां पर दे रहा है कि प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स का ही हिंदी में नाम क्या होता है? प्रतिजैविक होता है। करा प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, शरीर में जो जीवाणु होते हैं नुकसानदायक उनको नष्ट कर देता है या फिर उनकी वृद्धि को रोकता है, तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और यह कवकों से प्राप्त किया जाता है, काफी बार परीक्षा में आता है और ज्यादातर लोग इस प्रश्न को गलत ही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण नहीं, किस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे जीवाणु होगा, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये तपेदिक। तपेदिक को टीबी भी बोलते हैं, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो टीबी याद रखिएगा, टीबी के लिए कौन सा हो जाएगा यहां पर, कह रहा है कि साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम और डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम इसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उसको याद रखिएगा, पूरा फुल फॉर्म है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। इसी के वजह से तपेदिक नामक रोग होता है, टीबी नामक, और यह रोग जो है एक तरह का संक्रामक रोग है, संक्रमण से फैलता है। लिख रहा है सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े जो होते हैं वो संक्रमित होते हैं और इसके उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक दिए जाते रहते हैं। मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? ये लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती, बनाई जाती हैं लसिका ग्रंथियों के द्वारा, लेकिन आपको संघ का नाम बताना है जहां पर ये लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो दोस्तों ये लसिका कोशिकाएं बनती हैं हमारे तिल्ली के अंदर में। तिल्ली का नाम सुना होगा, प्लीहा का नाम सुना होगा या फिर अस्थमज्जा का नाम सुना होगा, इन जगहों पर जो है ये लसिका ग्रंथियों के द्वारा लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो इनको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों में के माध्यम से तिल्ली, थाइमस ग्रंथियों और अस्थिमज्जा के द्वारा जो है किया जाता है। ये सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथियां होती हैं। वाहिनी विहीन का मतलब क्या है? इसके अंदर नलियां नहीं होती हैं, ठीक है, और यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है और हमारे शरीर को कहा जाता है ना, किसी किसी का शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी मजबूत होती है, तो ऐसे में उसको इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो ये उसको मजबूती प्रदान करती है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए दो तरह की संरचनाएं होती हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको, डीएनए को, तो याद रखेगा। कह रहा है डीएनए जैसी संरचना ये केंद्रक के केंद्रक में तो होती हैं, कोशिका के केंद्रक में तो पाई जाती हैं। कह रहा है इसके अतिरिक्त किस कोशिकांग में होती है? लिख रहा है गाल्जी काय में, लाइसोसोम में, तारक काय में या फिर माइटोकांड्रिया में, कहां पर पाया जाता है यह आपको बताना है, ठीक है, याद रखे दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नितिन सर बड़ा तेज पढ़ाते हैं। दोस्तों तेज आपको इसलिए लगता है ना कि आप पहली बार हमें देख रहे हो, पहली बार हमें देख रहे हो, इस एनसीईआरटी सीरीज को देख रहे हो। दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा, पूरी की पूरी बायोलॉजी मैंने कॉपी पर जो है पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा रखा है, और दोबारा बायोलॉजी की डिजिटल क्लास भी बना रहा हूं ताकि जिन किसी बंधु को दिक्कत हो वो डिजिटल क्लास के माध्यम से एक बार फिर से रिविजन कर लें, और ये पूरा का पूरा निःशुल्क है। इसके अलावा फिजिक्स के काफी लेक्चर और केमिस्ट्री के भी काफी लेक्चर दिए जा चुके हैं। तो अगर आप पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको तो यही लगेगा ना कि सर बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में तेज नहीं है, आप धीरे हो,
आप धीरे हो, ठीक है, ये आप महसूस करो। ये मत बोलो कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। आप धीरे हो तो आप इस लड़ाई में अपने आप को तेज करो। तो याद रखे दोस्तों, ये माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जैसी संरचना ये केंद्रक के अतिरिक्त कहां होती है, माइटोकांड्रिया में होती है। माइटोकांड्रिया वही स्थान है जिसे शरीर का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी यहीं पे जनरेट होती है, ऊर्जा भी यहीं पर बनती है। लिख रहा है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को एक अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है और यह माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करने का काम करता है। जो जीन होता है उस जीन को एक स्टेप से अगले स्टेप पे पहुंचाने का काम करता है डीएनए। लिख रहा है डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक और माइटोकांड्रिया इन दोनों में पाए जाते हैं। और याद रखिए दोनों में, जंतुओं में भी और पादपों में भी। इसके अतिरिक्त ये पादप और शैवालों की कोशिकाओं में भी उपस्थित रहते हैं और पर्णहरित जो है उसमें भी पाए जाते हैं। लिख रहा है किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। भाई कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक कोशिकाओं का भक्षण किया जाता है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं, जो डैमेज्ड कोशिकाएं होती हैं, उनका भक्षण यहां पर किया जाता है, इसलिए यहां पर कोशिका के आत्महत्या की थैली नाम दिया गया। ये सही उत्तर लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से बाइल जूस का निर्माण भी होता है। तो लाइसोसोम आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है कोशिका उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा किसी कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाता है और उसमें उपस्थित जो पाचक एंजाइम है वो अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है और इसे ही इस घटना को आत्मलयन कहा जाता है। जिस तरह से बिच्छु अपने ही बच्चे को खा जाता है उसी तरीके से यह भी है। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है और इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। यहां पर जो कोशिकाएं इस तरह का कार्य करती हैं उनको भक्षी कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भक्षण करती हैं। लिख रहा है किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, तो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकांड्रिया को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं पर ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है। यह पूरे शरीर का विद्युत गृह कहा जाता है माइटोकांड्रिया। लिख रहा है माइटोकांड्रिया हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों सूत्र छड़ और गोलक के रूप में पाया जाता है। करा ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी, एटीपी मतलब एटीनोट्राइफॉस्फेट, यही होता ना, बड़ा दिन हो गया पड़े, एटीनोट्राइफॉस्फेट अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी जो है वो माइटोकांड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकांड्रिया को शरीर का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। इसमें किसको शामिल करते हैं, जो कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य होता है इसमें किसको शामिल किया जाता है। लिख रहा है इसमें कोशिका द्रव्य को, केंद्रक द्रव्य को, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों को, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं को। दोस्तों ये जो जीव द्रव्य होता है ना, ये हर एक जगह पे पाया जाता है, चाहे वो कोशिका द्रव्य हो, चाहे वो केंद्रक द्रव्य हो, या कोई भी कोशिकांग हो, इवन माइटोकांड्रिया हो, हर जगह पर इस तरह के जीव द्रव्य पाए जाते हैं और यही जीव द्रव्य जीवन के आधार माने जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका मैंने आपको बताया था न्यूरॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसको कहा जाता है, न्यूरॉन को कहा जाता है। न्यूरॉन को सबसे बड़ी कोशिका का नाम दिया जाता है न्यूरॉन, ठीक है। यही न्यूरॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी कोशिका से बनता है। सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछ रहा है, तो बताइए शुक्राणु, अंडाणु या डीएनए, तो डीएनए कोशिका नहीं है, ठीक है, याद रखेगा। आइए सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछ रहा है, सबसे छोटी कोशिका का नाम है शुक्राणु। क्या नाम है, शुक्राणु या अंडाणु भी आप बोल सकते हैं, शुक्राणु मनुष्यों में और अंडाणु जो है महिलाओं में, तो याद रखेगा ये सबसे छोटी कोशिका होती है। जबकि प्रकृति में पाई जाने वाली अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैसी, सॉरी गैली सेप्टिकम, फिर से देखिए माइकोप्लाज्मा, ठीक है, गैली सेप्टिकम नाम है, यह सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा मानी जाती है, अगर मैं पूरे प्रकृति की बात कर दूं तो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पहली बार स्टडी 91 पर विजिट कर रहे हैं तो विश्वास करिए सिर्फ एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, यहां पर आने के बाद आपको डिटेल में चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो आएंगे तो आपके समय का बहुत अच्छा सदुपयोग होगा और आप और
बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां पा सकते हैं जिसे आप ज्यादा फी पेड करके भी कोचिंग में हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आइए जुड़िए और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करिए। आगे देखते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना। चलिए करते हैं सुमेलित, बहुत अच्छा है प्रश्न ये, और मैं तो कहता हूं इस प्रश्न को एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर दे रहा केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज भाई किसने किया था? ठीक है, जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य का नामकरण और राइबोसोम की खोज। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था दोस्तों? इसकी खोज किया था डुजार्डिन ने। किसने किया था? जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था, ध्यान रखिएगा। और केंद्रक की खोज, ठीक है, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन हो गया, यानी बी का थ्री हो गया। ठीक है, अच्छा और देख लीजिए केंद्रक की खोज, तो ये तो आसान है, रॉबर्ट नहीं होता, रॉबर्ट नाम है। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन नाम है, ये रॉबर्ट लिखा है। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ये हो गया। और जीव द्रव्य का नामकरण जो है वो पुरकिंजी है, और राइबोसोम की जो खोज है पैलेड है। आप कहोगे सर याद कैसे होता है? दोस्तों याद प्रैक्टिस से होता है, या तो आप प्रैक्टिस कर लो, या तो आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। आप ऐसे कर लो, केंद्रक रॉबर्ट, ऐसे नाम ही याद कर लो, केंद्रक रॉबर्ट। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा ना, आपको कभी भूलेगा नहीं क्या केंद्रक खोज रॉबर्ट ने किया, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं याद रखना रॉबर्ट ब्राउन क्या है, तो ऐसे करके याद रखना। ठीक है, इसी तरह से जीव द्रव्य डुजार्डिन, तो ये याद रखिए, जीव द्रव्य का नामकरण किया था किसने? पुरकिंजे ने। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। चलिए कुछ चीजें मैं आपको याद ही करा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर दे रहा है कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? डुजार्डिन ने किया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सिद्धांत की बात कर रहा हूं, कोशिका का सिद्धांत, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। आगे देखिए माइटोकांड्रिया के बारे में अल्टमैन ने बताया था, लाइसोसोम के बारे में सीडी डुवे ने बताया था, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था, गाल्जी का है गाल्जी ने खोजा था। ठीक है, राइबोसोम को पैलेट ने खोजा था, जो भी पीछे पूछा गया है, क्रोमैटिन को फ्लेमिंग ने खोजा था। तो इसको आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में यही सब बार बार रिपीट करके आते हैं, कुछ नया नहीं पूछा जाता है। अगर एक बार भी आपने अच्छे से 100 क्वेश्चन कवर कर लिया, ये 100 क्वेश्चन एक लेबल के होते हैं। अच्छा सोचो मुझे क्या पड़ी थी, मैं बार बार आपको कूट वाले प्रश्न दे रहा हूं, इसका फायदा आपको होगा। अगर मैं कूट वाले प्रश्न ना देता और यहां पे कोई एक पूछता तो एक समझ में आता, चार एक साथ बता दिया और चार बताने के बाद 8-10 एक साथ बता दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसका, आपका या मेरा? आप बताओ, आपका या मेरा? जबकि ज्यादातर यूट्यूबर का ख्याल होता है ना, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा चैनल है, आप मेरे चैनल पे आओ, आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि नितिन सर का एवरेज टाइम क्या है किसी वीडियो को बनाने का। मेरा कोई एवरेज टाइम नहीं है, क्यों? मैं टाइम देखकर यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, मैं टाइम देखकर यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता, मैं पढ़ाने का आधार बताता हूं। मुझे पढ़ाना है चाहे जितना समय लग जाए, यहां पे मुझे क्वेश्चन कवर करने हैं, डिटेल में बताना है, चाहे जितना समय लग जाए, मैं समय देने को तैयार हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत का अभी पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया है, तो याद रखे स्लाइडेन स्वान, पूरा नाम ऐसे याद रखे, एमजे स्लाइडेन कौन याद रखता है, मुझे भी नहीं याद है, मैं तो स्लाइडेन स्वान याद किया हूं। स्लाइडेन स्वान जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, और रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दे रहा है कि स्लाइडेन स्वान कर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, ठीक है, उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर के पूरा शरीर बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लिख रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, बताइए, करा अंग है ऊतक है कोशिका या डीएनए है? सबसे मूलभूत होता है कोशिका, कोशिका के बाद डीएनए होने का मामला आता है, बिना कोशिका के कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले एक कोशिका से एक कोशिकीय जीव होते हैं, और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो वही बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा यहां कोशिका हो जाएगा, यही मूलभूत इकाई है। देखिए यहां पर दे रहा है, करा कोशिका समस्त जीवों के शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन एक बात नोट कर लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वह मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया,
तभी से यह माना जाता है कि भाई कोशिका की खोज किसने बताया, चाहे मरा चाहे जिंदा, बात खत्म हुआ, मरने जीने की बात नहीं आती। बात आ गई कि कोशिका के बारे में बताया किसने, तो रॉबर्ट हुक ने बताया। और कोशिका विज्ञान का जनक भी इसीलिए किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक जी को कहा जाता है। अब एक चीज और हो गया, बाद में जीवित कोशिकाओं के बारे में किसने बताया, तो लिवियन हॉक ने बताया। किसने बताया, लिवियन हॉक ने बताया जीवित कोशिकाओं के बारे में। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर कभी दे दे जीवित कोशिकाओं के बारे में किसने बताया और ऑप्शन में लिवियन हॉक के साथ साथ रॉबर्ट हुक भी दिया है, तो सही उत्तर आप क्या टिक करेंगे, लिवियन हॉक टिक करेंगे। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूजन में मत आइए, आप जानिए सही क्या है गलत क्या है। समझ में आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रहेगा ना, अगर पूछेगा कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, उत्तर क्या है, रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लिवियन हॉक ने। समझ गए ना मुद्दा क्या है, मुद्दा जानते रहो। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसमें पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्निथोलॉजी। ये मेलाकोलॉजी क्या है, इसमें मोलस्का संघ के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मोलस्का संघ, दोस्तों सभी संघों के बारे में बताया हूं, अब जाके वीडियो देखो। संघ एक ऐसी खतरनाक चैप्टर है, संघ मोलस्का का नाम सुना होगा, आर्थोपोडा का नाम सुना होगा, तमाम ऐसे हैं, ठीक है, आपको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप जाके वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। तो याद रखिए, अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, मोलेकोलॉजी में जो है मोलस्का संघ के जीव जंतुओं का अध्ययन, हर्पिटोलॉजी में सरीसृप वर्ग के जीव जंतुओं का, जो रेंग कर चलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में दोस्तों जो कैसे क्षेत्र होते हैं मैं बताऊं, जैसे तालाब और पोखरे के किनारे जो जीव होते हैं ना, रहते हैं, निवास करते, उनका अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी में। तो याद रखेगा, यहाँ पे चार हैं और चारों लॉजी को आप अपने अकॉर्डिंग जो है समझ लीजिए, जो बताया हूं वही दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है सूची एक को, कितना सूची मिलान करा रहा है, कसम से आज थक गया हूं सूची मिलान करते करते। टीम वाले लोगों को भी सोचना चाहिए, मतलब ठीक है बच्चों का हित देखना है, तो हित देखने का मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन कूट वाले में डाल दो, 100 बराबर 400 हो गया, 100 गुणे 4 400 हो गया, 400 क्वेश्चन पढ़ाना है बायोलॉजी में, ऐसे में दिक्कत हो जाता है। चलिए, सबसे बड़ा स्थली जीव कौन सा है, शुतुरमुर्ग अंडा, शुतुरमुर्ग हाथी, नीलीबेल। तो सबसे बड़ा स्थली जीव कौन सा है, हाथी, आप सभी को पता है। सबसे बड़ा स्तनधारी किसे माना जाता है, व्हेल को माना जाता है, किसको, नीलीबेल या व्हेल को माना जाता है सबसे बड़ा स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, याद रखेगा, जबकि मछलियां अंडे भी देती हैं, ठीक है, लेकिन स्तनधारी मछलियों में आता है जो बच्चे देती हैं। सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग हो गया, और सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, बाकी आप जो है खुद से कर लीजिए, थोड़ा आप भी अपना हाथ पैर डुलाएंगे सही हो जाएगा। वैसे भी 21 दिन का डाउन है, तो ऐसे में अगर आप बद जाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना, जरूरी है पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित होता है, ऐसा सर्प जिसके अंदर विष नहीं होता, क्यों, अरे उसके अंदर विष ग्रंथियां ही नहीं पाई जाती, लेकिन ये सर्प बहुत बड़े बड़े होते हैं और हम लोग बहुत डरते हैं, उनका नाम क्या है, अजगर, याद रखेगा अजगर। टाइगर स्नेक और कोबरा से मत भिड़िएगा, कोबरा सबसे जहरीला सांप में गिना जाता है, ठीक है, तो याद रखिए अजगर सही हो जाएगा। अजगर में विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जान बहुत होता, अजगर अगर आपके शरीर को लपेट लिया तो इतना जान होता है कि आप उसके चुंगल से बच नहीं पाओगे, और वो आपके शरीर की हड्डियों को तोड़ सकता है, इतना प्रेशर होता है उसके पास, ठीक है, तो याद रखेगा। लेकिन काटने से उसके कुछ होता होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे बड़ा और एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा प्लस एक कोशिकीय जीव, कराइस्ट है, ठीक है, कालरेपा टैक्सीफोलिया है, ठीक है, एजेटोबैक्टर है, या फिर अमीबा है, कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का नाम क्या है, कालरेपा टैक्सीफोलिया, क्या नाम है, कॉलरेपा टैक्सीफोलिया, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव माना जाता है। लिख रहा है, कह रहा है यह शैवाल की प्रजाति का होता है और 6 से 12 इंच तक जो है इसकी वृद्धि होती है, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होता है, क्यों, अरे चमगादड़ पक्षियों से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि स्तनधारी होता है, खैर वो अलग है, 4 वेश्मों वाला हृदय होने के कारण, अच्छा, मध्य पट डायफ्राम के कारण, पंखों के कारण, या लघु मस्तिष्क के कारण। तो याद रखें दोस्तों, पक्षियों और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न क्यों है, डायफ्राम की वजह से। याद रखिए, पक्षियों में डायफ्राम नहीं होते हैं, चमगादड़ों में डायफ्राम होता है, ठीक है,
लेकिन पक्षियों में वायु कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उनके शरीर की जो संरचना होती है, आपको आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह की संरचना मिलेगी, ठीक है। तो ये डायफ्राम होता है, वायु कोष जैसी संरचना होती है। एक एरोप्लेन की जिस अकॉर्डिंग संरचना होती है वो होती है, तो वहां पर वायु कोष होता, उसकी वजह से पक्षियों को उड़ने में मदद मिल पाती। फिलहाल देखते हैं क्या उत्तर है। उत्तर तो सही है, डायफ्राम। लेकिन अब पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्य की तरह मध्यपट पाया जाता है, जबकि पक्षियों में वायु कोष पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मछली का वाताशय किस रूप में काम करता है? वाताशय मैंने समझते हैं क्या होता है, गलफड़ा, ठीक है। तो ये किस रूप में काम करता है? लिख रहा है सहायक श्वसन अंग के रूप में, ठीक है। द्रव स्थैतिज अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिज अंग दोनों के रूप में, और मुख्य स्रोत तो दोनों हो जाएगा भाई। ये पानी को बाहर भी निकालता है, मुख से जो मछलियां पानी लेती है और वहां से जो है ऑक्सीजन भी उनके शरीर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों हो जाएगा। लिख रहा है मछली का वाताशय एक सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैति दोनों अंगों के रूप में काम करता है। यह मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है, जिसमें वायु भरी रहती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे और अंदर जो है पानी के काफी अंदर तक जा सकती रह सकती हैं। अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। पहले बताइए ये अनियत तापी क्या होता है? देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है नियत तापी, एक होता है अनियत तापी। कारण अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में कौन से आते हैं? अनियत तापी ऐसे जंतु होते हैं जिन पर अगर बाहर का वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग वो अपने शरीर को सेट कर लेते हैं। जैसे बहुत ठंडी में चले गए तो अपने शरीर को क्या कर देंगे, उस अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अपने शरीर को थोड़ा सा कूल कर लेंगे। ये उनके शरीर की क्षमता होती है। तो याद रखिए अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में मछलियां भी आती हैं, उभयचर भी आते हैं, सरीसृप भी आते हैं। क्योंकि अगर मछलियां उस श्रेणी में नहीं आती तो जब एकदम जल गर्म हो जाता है तभी मछलियां आती हैं, और जिस जल के ऊपर बर्फ जम जाता है मछलियां वहां भी जिंदा रहती हैं। तो ये उसका कारण है। उभयचर भी इसी श्रेणी में आते हैं, यानी जो मेंढक वगैरह हैं उभयचर जल में थल में दोनों पे रहते हैं, और सरीसृप भी इसी वर्ग में आते हैं। जबकि जो मनुष्य वगैरह हैं ये नियत तापी में होते हैं। अगर नियत तापी ना होते तो ठंडी के समय में मोटे मोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत होती है? अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं, कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, और ठंडी में सब कपड़े निकालने की जरूरत क्या है, समझ रहे हैं? तो ये नियत तापी होता है। तो इसको याद रखेगा, जितने भी पक्षी हैं और जो स्तनधारी खास करके हैं, वो जो स्तनधारी हैं वो नियत तापी होते हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघ सीलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है? सीलेंट्रेटा बताइए, संघ सीलेंट्रेटा कर विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति, एक कोश की होना, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति होना, या मस्तिष्क की उपस्थिति होना। याद रखिए संघ सीलेंट्रेटा के जीवों की खासियत होती है कि उनकी शरीर ही एक गुहा के रूप में होती। कैसी होती है? एक गुहा के रूप में होती, इसीलिए तो उनको सीलेंट्रेटा बोलते हैं। सीलेंट्रेटा का मतलब ही होता है गुहा रूपी शारीरिक संरचना। तो याद रखिएगा, और इसी गुहा को अंतर गुहा का नाम दिया जाता है। करा इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं, जिनमें मस्तिष्क, सिर, स्वतंत्र तंत्र, ये सब होता है, जैसे हाइड्रा वगैरह, इसी का एग्जांपल होता है किसका, सीलेंट्रेटा का, ठीक है। और समुद्री एनिमोना वगैरह हो गया वो सब। चलिए सूची को सूची दो से सुमेलित करना है। जीव तथा उससे संबंधित संघ के बारे में, केचुआ किस संघ का है, मकड़ी किस संघ की है, सीप किस संघ का, और मेंढक किस संघ का है। सबसे आसान इसमें कौन सा है? मेंढक। क्यों दोस्तों? जब कभी कोई बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि मेंढक को जो है क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी में जो है पढ़ाते समय जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो मेंढक के ऊपर चीरा लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के पार्ट्स जो है वो मनुष्यों के पार्ट से मिलते हैं। तो याद रखिए कार्डेटा संघ का ये होता है, संघ कार्डेटा से मिलता जुलता है, तो इसको याद रखिएगा। मकड़ी दोस्तों ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित होती है, जबकि जो केचुआ है ये एनेलिडा से संबंधित होता है, और वहीं सीप जो है पानी वाले जो जीव होते हैं मोलस्का संघ से बिलोंग करते हैं। तो एक बार मैच कराइए, ए का 3 बी का 1, ठीक है, बी का 1, एक मिनट, ए का 3 बी का 1 सी का 2 और डी का 4, 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 3, 1, 2, 4 ही आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? बताइए सूत्रकृमि किससे संबंधित होते हैं? पढ़ाया गया आपको सूत्रकृमि बहुत खतरनाक होते हैं, याद रखिए ये एसके
हेलमेंथीस से संबंधित होते हैं। एसके हेलमेंथीस होगा, यहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एसके ऐसे लिखाएगा, याद रखिए एसके हेलमेंथीस होता है, हेलमेंथीस, ठीक है, हेलमेंथीस, तो याद रखिएगा हेलमेंथीस होता है। एसके हेलमेंथीस से संबंधित होते हैं सूत्रकृमि, ठीक है, लिख रहा सूत्रकृमि या फिर गोलकृमि, ये एसके हेलमेंथीस अथवा निमेटोड संघ से संबंधित होते हैं। इनके शरीर एक पतले धागे रूपी संरचना में होती है, ठीक है, और जल और थल दोनों पर ये पाए जाते हैं और खास करके परजीवी होते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन कौन सा है? टेरिडोफाइटा, दोस्तों बताइए टेरिडोफाइटा क्या होता है? लिख रहा है यह बीज रहित पादप है, यानी ऐसा पौधा जिसमें बीज ही नहीं होता। बीज नहीं होगा तो फिर इसका विकास कैसे होगा? होता है विकास लेकिन बीज नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बता रहा है, जो सत्य है वो बताना आपको। दूसरा दे रहा है इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा दे रहा है इनके शरीर जड़ तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, ठीक है, और चौथा दे रहा उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए यहां पर सभी सही है, यह एक तरह का बीज रहित पौधा होता है, ठीक है, याद रखिए बीज रहित पौधा होता है टेरिडोफाइटा। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे आखिर इसका प्रजनन हो रहा है। लिख रहा है कि इसमें स्वतंत्र तंत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है, और ऐसे पौधे खास करके जो नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर फैलते हैं, ठीक है, जैसे आप बात कर सकते हो सुंदरबन के डेल्टा साइड जहां नमी वाले स्थान है वहां पर। लिख रहा है संवहन तंत्र में जाइलम फ्लोएम हो गया। जाइलम क्या करता है? ये जल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये पेड़ पौधों के अंदर आहार को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। करा परंतु पुष्प और बीज का निर्माण इसमें नहीं होता, तभी तो ये बीज रहित होते हैं, इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित करने के लिए ये जो होता है बीज रहित पौधा भी इसको कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों फिर से याद दिला रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप YouTube पर ऐसे ही घूम रहे हैं कि कोई अच्छा चैनल मिल जाए जहां रुक करके आप अपनी पढ़ाई कर सकें तो आप रुक सकते हैं। स्टडी 91 आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ने में कितना इंटरेस्ट रखते हो। यहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा है, कोई एक विषय नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लो, और ना ही कोई ऐसी चीज कि नहीं आप पैसा दोगे तभी आपको पढ़ना है, नहीं, सभी विषय क्वालिटी एजुकेशन के तरीके से आपके सामने लाई जा रही है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ एज इट इज आप पढ़ सकते हो, घर बैठे अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। मुझे नहीं समझ में आता कि अभी आप और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आपको भरोसा नहीं, आप जाके कमेंट्स को देखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ें, लोगों की राय देखें, आपको समझ में आएगा कि यह बेस्ट चैनल आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां रुकिए और सर्च करते रहेंगे तो यूट्यूब इतना बड़ा एक दुनिया है जिसमें आप खो जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, करा जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? करा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा या फिर बायोप्सिडा। बताइए फिर से एक बार देखिए, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, संवहन तंत्र अभी पीछे बताया हो ना, एक इसमें पाया जाता है, ये ट्रैकियोफाइटा में, ठीक है, तो याद रखिए ट्रैकियोफाइटा आपका सही हो जाएगा, ये इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, पीछे भी बताया हूं बीज रहित पौधा होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, ये जो ट्रैकियोफाइटा संघ होता है ये तीन तरह का इसमें होता है, एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है अनावृतबीजी, एक होता है आवृतबीजी, ये भी आपको पढ़ाया गया, आप जाइए देखिए वीडियोस। आगे देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए एक नया प्रश्न जो आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से, शैवाल का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिए, वैसे दलहनी फसलों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन आपसे शैवाल पूछा जा रहा है, याद रखिए उन शैवालों का नाम है नॉन स्टॉक एनाबीना। क्या नाम है? नॉन स्टॉक और एनाबीना, एक ऐसे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो याद रखिए नॉन स्टॉक और एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कर अच्छा, और जो तथ्य दे रहा था उनके बारे में देख लीजिए। करा सार्गासम शैवाल जो है ये जापान में कृत्रिम ऊन तैयार करने के काम आता है, कृत्रिम ऊन, जबकि हमारे यहां जो ऊन है वो भेड़ से तैयार किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर कृत्रिम ऊन तैयार किया जा रहा है। इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। और कारा नामक जो शैवाल है यह भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, मलेरिया के लिए जो उपचार होता है वो बनता है। अभी तक आपने सिनकोना की छाल का नाम सुना है, अभी तक आपने कुनैन का नाम सुना है मलेरिया के लिए, और अब मलेरिया के लिए कारा नामक शैवाल भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि मलेरिया के उपचार में किस शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बताओगे?
जब पढ़े रहोगे तब ना बताओगे। और आज पढ़ लो, कारा नामक शैवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, लेमिनेरिया जो शैवाल है इससे आयोडीन मिलता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है व्यक्ति को, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है, नाम क्यों दिया गया, लाल जो है क्या है, तो याद रखे लिख रहा अम्ल वर्षा के कारण लाल सागर कहा गया, ठीक है, या फिर इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण लाल सागर कहा गया, या विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण कहा गया, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें लाल सागर का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहां पर एक विशिष्ट तरह के शैवाल पाए जाते हैं जो मरने के बाद वो लाल रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। जीते जी नहीं, जीते जी तो नीलहरी शैवाल होते हैं, मरने के बाद वो लाल रंग के दिखाई देते हैं, इस वजह से इसको लाल सागर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, लाल सागर में ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम नाम के नीलहरी शैवाल पाए आते हैं और मरने के बाद लाल भूरे रंग का प्रतीत होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाइकेन के संबंध में असत्य है, लाइकेन के संबंध में क्या असत्य है, वैसे लाइकेन जो है ये वायुमंडल में प्रदूषण के बारे में भी बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो असत्य फिलहाल आपको बताना है कौन सा गलत है, करा ये कवक तथा शैवालों के सहजीवी का परिणाम है, बिल्कुल सही है। तो मृदा को हानि पहुंचाता है, अरे लाइकेन मिट्टी को हानि कहां पहुंचाएगा, मिट्टी को फायदा करता है लाइकेन, कवक है सब, ठीक है। लिख रहा है कि अनेक औषधियों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है और लाइकान थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पतियों के नाम है, ठीक है, मतलब ये वनस्पति का टाइप है, ठीक है, ये सही है। दोस्तों ये मिट्टियों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ऑप्शन नंबर दो जो है वो गलत दे रहा है, उसको आप जो है अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं किन रोग में, तो जैसे मिर्गी हो गया, खांसी हो गया, पीलिया, डायरिया, इन सब रोगों में जो औषधियों का निर्माण होता है उसमें लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कवकों के विषय में जो असत्य है अब वो बताइए, चलिए असत्य वाले कथनों की लाइन लग गई है कवक के विषय में, ठीक है, कवक के विषय में असत्य कौन सा, लिख रहा है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। कह रहा कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, बिल्कुल सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इतने स्टाइलिश नहीं होते हैं, और ईस्ट और मशरूम कवक के उदाहरण है। तो यहां पर याद रखिए अपना भोजन ये नहीं बनाते हैं, ये परजीवी होते हैं, जो कवक होते हैं अपना भोजन नहीं बनाते जबकि बल्कि दूसरों पर निर्भर होते, परजीवी होते। लिख रहा है कवक एक कोश की अथवा बहुकोश की यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक कला दोनों पाई जाती है। और लिख रहा है यह परहरित नहीं पाया जाता इनमें, इसलिए अपना भोजन ये दूसरे पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। लिख रहा अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका का नाम बताइए, सबसे छोटी जीवाणु कोशिका का नाम, अब तक का सबसे छोटा, तो याद रखें दोस्तों माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी अब तक की जीवाणु कोशिका मानी जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो कह रहा है कि विषाणु जगत में शामिल किए जाते हैं, विषाणु जगत में किसे शामिल किया जाता है, प्रोटिस्टा को, मोनेरा को, प्रोटोजोआ को, या इसमें से कोई नहीं। तो विषाणु यानी वायरस जो वर्ड है उसमें किसको शामिल करते हैं, तो प्रोटिस्टा, याद रखेगा प्रोटिस्टा को वायरस जगत में शामिल किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूं, लिख रहा है कि विषाणु यानी जो वायरस होता है यह अति सूक्ष्म अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं। इस समय कोरोना वायरस ने दुनिया में जो है हाहाकार मचा रखा है, याद रखेगा। कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप गूगल यूट्यूब पर टाइप करिए कोरोना वायरस स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में मैंने वायरस के बारे में आपको समझाया है कि वायरस क्या होता है और कोरोना वायरस से यह कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले कहां देखा गया, नुकसान, उपचार, सब कुछ बताया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस पर एक स्पेशल क्विज भी मैंने दिया था कि कितने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एक और क्विज बना रहा हूं वो भी आपको अगले एक दो दिन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां आप कोरोना वायरस से संबंधित और भी नए नए तथ्यों को जान सकते हैं, ठीक है। करा विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान यह व्यवहार करता है। दोनों के बीच की एक कड़ी मानी जाती है इसको, ठीक है, इसलिए इसको न तो सजीव में रखा जाता है न निर्जीव के वर्गीकरण में रखा जाता है। करा पांच जगत का वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, किसी ने दो बताया, किसी ने तीन बताया, किसी ने चार बताया, किसी ने पांच बताया, सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखेगा वेकल जो थे दोस्तों, ये तो शायद चार बताए थे, विट
विटेकर जो है दोस्तों, याद रखेगा, इन्होंने बताया कि जो जगत है ये, ठीक है, ये पांच होता है, पांच जगत में भागा है, बांटा है पूरे दुनिया को, ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से आपसे परीक्षा में पूछा है कि दो जगत में किसने विभाजित किया था, दो जगत वर्गीकरण, तो याद रखे लीनियस ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन जगत जो है वो हेकल ने किया था, चार जगत जो है वो कोपलैंड ने किया था, और पांच जगत जो है वो विटेकर ने किया था, याद रखेगा। और विटेकर ने कौन कौन सा बताया, एक तो मोनेरा बताया, दूसरा प्रोटिस्टा बताया, प्रोटिस्टा वाले भी वायरस होते हैं, और पादप है, कवक है, और जंतु है, ये पांच हिस्से हैं, ठीक है, ये पांच भागों में इस पूरे वर्गीकरण को बताया है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, कर अरस्तु को, कैरोलस लीनियस को, हिप्पोक्रेटस को, या विटेकर को। तो विटेकर ने तो पांच भागों में बांटा था, वैसे मुझे लगता है यहां पर कैरोलस लीनियस हैं जिनको जगत ये माना जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, करेक्ट, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, स्वीडन के वनस्पति शास्त्री और ये जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में जबकि जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, जो नहीं उद्देश्य है वो बताना आपको, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। लिख रहा है कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, तभी जीवों का वर्गीकरण किया गया कि भाई ये जीव है, ये अलग अलग संघ बनाए गए ताकि पहचान की जा सके। समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, बिल्कुल सही है, और जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम को दर्शाना। तो नाम से क्या मतलब, हाँ, नाम से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर मुझे लगता है चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, छोटा सा ऑप्शन है। पित्तरस का संचय किस अंग में होता है, पित्तरस बताइए, बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है, पढ़ाया गया है, बाइल जूस स्टोर होता है पित्ताशय में, पित्ताशय थैली होती है ना, तो पित्ताशय यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी पित्ताशय में कभी कभी पथरी भी हो जाती है, और तब जो है वसा युक्त भोजन आपके लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि बाइल जूस की मात्रा शरीर में बढ़ने से पीलिया नामक रोग हो जाता है। लिख रहा पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत जो है वो बताइए, ठीक है, अच्छा, करेक्ट, टाइलिन, टाइलिन ये तो लार ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है, सही है। पेप्सिन ये अमाशय में पाया जाता है, माल्टेज ये बड़ी आंत में पाया जाता है, और ट्रिप्सिन ओजन जो दे रहा दोस्तों ये पित्ताशय में, नहीं पित्ताशय में ट्रिप्सिनोजन नहीं है, ट्रिप्सिनोजन कहां पर होता है, याद रखिए, एक तरह का एंजाइम है, और ये अग्न्याशय में होता है, अग्न्याशय में, अग्न्याशय वही जगह है जहां पर बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या नाम है उसका, डायबिटीज वाला रोग किससे होता है, लैगरहंस द्वीपका की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का श्रावण होता है, ठीक है, ये उसी अग्न्याशय के पास पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजन नाम का एंजाइम, इसको याद रखेगा। एंजाइम क्या होता है, वस्तुतः एक प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक रूप में रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं, तेज कर देते हैं। करा पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथनों के बारे में बताइए, खूब लंबे लंबे कथन दिया, चलो। करा ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज वसी अम्ल एमिनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है, अच्छा। दूसरा दे रहा है पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। तीसरा दे रहा है पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती हैं। भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, क्या पूछा, क्या है आपसे गलत वाला पूछा, चलो एक बार पढ़ते हैं, नीचे से पढ़िए। भोजन का अधिकांश पाचन और पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, मैंने बताया था। वैसे तो भोजन का पाचन हमारे मुख से हो जाता है, मुख के बाद इस नलिका से होते हुए भोजन अमाशय तक जाता है, और अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। ज्यादातर जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है, और अवशोषण भी छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, गलत है नहीं, आपको गलत बताना है। नीचे से तीसरा दे रहा है, मतलब नीचे से दूसरा दे रहा है, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती हैं, ये भी सही है। दूसरा दे रहा है पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को क्या करता है, सरल एवं घुलनशील अणुओं में तोड़ता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, ये भी सही है। ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज वसी अम्ल और अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है, नहीं 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 जटिल नहीं, ये जटिल मिश्रण थोड़े, ये तो छोटा रूप हो गया ना, क्योंकि ग्लूकोज किसका छोटा रूप होता है, ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। वसी अम्ल ये फैटी एसिड का होता है, फैट का होता है। अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का होता है, तो ये होता है, तो ये जटिल रूप नहीं, मतलब ये पहला वाला कथन ही गलत हो गया, ठीक है, ये तो सूक्ष्म रूप है ना उसका, ये सूक्ष्म रूप है, जटिल रूप नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन जो यहां पर गलत हो गया। तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, ये आप
के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकी श्वसन के अंतर्गत नहीं सम्मिलित की जाती है? कोशिकी श्वसन में कौन सा नहीं आता है? देखिए कोशिकी श्वसन माने क्या होता है, जो श्वसन के अंतर्गत आते हैं वो बताना है। और यहां क्या पूछा, जो नहीं आता है तो लिख रहा है ग्लाइकोलिसिस, ये भी श्वसन का पार्ट है, केप्स चक्र ये भी श्वसन का पार्ट है, और निःश्वसन, निःश्वसन माने होता है जो श्वसन है यानी जो वायु उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, तो निःश्वसन थोड़े आएगा, ठीक है, ये श्वसन में नहीं आता है, ये बाहर निकालने में होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन भी यहीं पे आ जाएगा। तो याद रखिए यहां पर निःश्वसन आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए लिख रहा है ग्लाइकोलिसिस, केप्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन, ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के तीन चरण हैं। इन चरणों में कुल 38 एटीपी अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, और निःश्वसन जो क्रिया है ये बाह्य श्वसन से संबंधित है, बाहर निकालना, ठीक है। आगे देखिए, नवजात शिशुओं में श्वसन दर कितनी होती है? छोटे बच्चे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं और बड़े धीरे लेते हैं, तो बड़े लोग जो है वही याद रखिए प्रति मिनट में 12 से 15 बार, या स्वस्थ मनुष्य के लिए 15 से 16 लिया जाता है ये आंकड़ा है, और बच्चों के लिए ये दुगुना हो जाता है, क्या हो जाता है यानी 15 दुना 30 और 16 दुना 32, ठीक है। तो याद रखें, सॉरी ये 30 से लेकर के 32 का मतलब ये 30 32 से स्टार्ट होकर के 60 तक जाता है, ठीक है, तो ये होता है। तो याद रखेगा यहाँ क्या हो जाएगा, 30 से 60 बार प्रति मिनट जो है नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। तो फिर से याद दिला रहा हूँ आपको कि अगर अब अच्छा लग रहा है आपको चैनल हमारा, तो जल्दी से आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए, क्योंकि शिक्षा को बढ़ाने का कार्य अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी के सहयोग के बिना ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं जा पाएगी। तो निवेदन है दोस्तों, आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप में आप वीडियोज़ को शेयर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखो आप अपना फ़र्ज निभाओ, जैसे मेरा फ़र्ज है पढ़ाना, मैं नहीं देखता हूँ कि कौन सा वीडियो धीरे चल रहा है, कौन सा वीडियो तेज चल रहा है, किस पे व्यूज आ रहे हैं, किस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि YouTube पर आप जाओगे ना तो आपको मसाला दिया जाता है, मसाला वीडियो, दो मिनट में ये कर दूंगा, दो मिनट तो ज्यादा हो गया, दो सेकंड में कर दूंगा, चुटकी बजाते कर दूंगा, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तरह के मसाला होते हैं, मसाला। हम अपने वीडियो में मसाला नहीं देते, हम अपने वीडियो में कंटेंट देते हैं, आपको पढ़ना है पढ़ो अच्छे से, मजा आ जाए पढ़ने के बाद में, यहां से फील होना चाहिए यार सर मजा आ गया पढ़ के, वो फीलिंग देते हैं, ठीक है। मसाला नहीं कि कवर पेज को दे दिया और देखेंगे कवर पेज के आधार पर पता चला है वीडियो मिलियंस में चला है, हमारे वीडियो मिलियंस में नहीं होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं होते हैं, होने चाहिए जबकि अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर सब्सक्राइबर वो सो रहे हैं, जागे नहीं है, हालांकि मैं बार बार जगाता रहता हूं बोल बोल के, बोल ही सकता हूं, तो मैं कभी ये नहीं देखता हूं कि मसाला देना है, और मैं कभी ये भी नहीं देखता हूं कि आपको क्या पसंद है, आपको मसाला चाहिए या नहीं चाहिए, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है। व्यूज कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं वो सब भगवान की माया है, ठीक है, वो सब भगवान के ऊपर है, मेरा फर्ज है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, जिसका फर्ज है देखना वो देखे, जिसका नहीं देखने का मन है वो मत देखे। तो उसी तरह से आपके सामने भी कंडीशन है दोस्तों, आप शेयर कर दीजिए, आप अपने से मतलब रखिए, शेयर करिए, कोई देखता है कि नहीं देखता वो बात बात की, आप अपना फर्ज निभाइए और निभा करके अपना काम करिए, ठीक है। चलिए आ जाइए कुछ क्वेश्चन और है। निम्न में से अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन में अंतर नहीं है, कौन सा, सॉरी अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन का अंतर नहीं है, कौन अंतर नहीं है बताइए। करा अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हाँ अनाक्षी इसीलिए तो नाम पड़ा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती, इसीलिए इसका नाम अनाक्षी है, और जो ऑक्सी होता है उसमें ऑक्सीजन की भूमिका होती है, तो पहला वाला कथन तो सही है। दूसरा लिख रहा है कि अनाक्षी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया में होती है, ये भी सही है। अनाक्षी श्वसन जंतुओं में, अरे जंतुओं में अनाक्षी श्वसन करा दोगे तो जंतु मर नहीं जाएगा, जंतुओं में ऑक्सी श्वसन होगा ना, ऑक्सीजन की भूमिका रहनी चाहिए, जैसे हम जंतु हैं, हम जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, तो अगर हम जंतु हैं तो ये बताइए कि ऑक्सी श्वसन होगा, ऑक्सीजन की भूमिका है कि नहीं, तो यहां पे लिख रहा अनाक्षी, ये गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हाँ जब उत्तर मिल जाए तो आगे पढ़ के क्या करेंगे। आगे देखिए, चलिए करा मानव कंगाल से संबंधित रोग उनके लक्षणों को सही सुमेलित जो नहीं है वो बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताइए। लिख रहा गठिया रोग, गठिया में क्या होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, ये होता है। लिख रहा सूखा रोग, इसमें क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आ जाती है, ठीक है, रिकेट्स वगैरह होता है, ठीक है। और अगला दे रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और टिटेनी, करा उपास्थि के फटने
के कारण चलने में दर्द होता है, टिटेनी में। नहीं, मुझे लगता है यही गलत है, टिटेनी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टिटेनी जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाए शरीर में, या फिर पोटेशियम की अधिकता हो जाए शरीर में, तब यह रोग होता है, टिटेनी नाम का रोग। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और इससे मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होता है, ऐच्छिक नहीं, जैसे क्या ये ऐच्छिक है, मतलब आप अपनी इच्छा से क्या कर लो, घुमा ले रहे हो, अनैच्छिक हो जाएगा तो जम जाएगा सब। ठीक है, करें फॉल्स रिफ तथा फ्लोटिंग रिफ किस अंग में पाए जाते हैं? फॉल्स रिफ, फ्लोटिंग रिफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा फेफड़ों के बारे में, फेफड़ों के ऊपर ये जो कंकाल तंत्र का ढांचा है, जहां पर ये पसलियां पाई जाती हैं, ये पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। तो उन 12 जोड़ी में सभी पसलियां आपके पीछे घूम करके मेरुदंड से नहीं जुड़ी होती, कुछ पसलियां इस उपास्थि, कुछ पसलियां ऐसी होती जो आपस में ही जुड़ जाती हैं, उन्हीं को फॉल्स रिफ और फ्लोटिंग रिफ में बांटा जाता है। तो याद रखिए, इसको हिंदी में वक्षीय पिंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्षीय पिंजर, ठीक है, पिंजड़े के समान है ना, तो याद रखेगा। लिख रहा है मनुष्य में 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में दो होता है, तो कुल 24 हो गई, 24 पसलियां पाई जाती हैं। स्टार्टिंग की ऊपर से 7 पसलियां जो होती हैं वो वक्ष के सामने उरोस्थि से और पीछे जाकर के मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, परंतु 8वां 9वां और 10वें जोड़ी की जो पसलियां होती हैं ये उरोस्थि से मुड़ करके ये अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ जाती हैं, इसे ही आके जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको फॉल्स रिप्स या गौड़ पसलियां कहा जाता है, गौड़। और 11वां 12वां जो होता है ये केवल मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, इनका अग्रसिरा मुक्त होता है, केवल पीछे से बैलेंस होता है, आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तैरती पसलियां कही जाती हैं, फ्लोटिंग पसलियां इनको कहा जाता है। तो 11वें 12वें नंबर की याद रखिएगा, काफी अंदर जाके क्वेश्चन पूछा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, करते हैं। मानव खोपड़ी, मेरुदंड और पसलियां और उरोस्थि, याद रखिए मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं, ये मेरुदंड होता है पीछे, इसमें 33 हड्डियां होती हैं, पसलियों में कुल 24 अस्थियां होती हैं। ठीक है, और मानव खोपड़ी जो दे रहा दोस्तों, इसमें 29 अस्थियां होती हैं, मिलकर के मानव खोपड़ी बनाती हैं, और उरोस्थि में 1 होता है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उरोस्थि में 1 हड्डी होती है केवल। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन बताइए, कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वो बताइए कंकाल के संबंध में। करा यह बाह्य कंकाल तथा अंत कंकाल में विभाजित होता है मानव कंकाल, अच्छा। करा अंत कंकाल अक्षी कंकाल एवं उपांगी कंकाल में विभाजित होता है, अक्षी कंकाल को खोपड़ी मेरुदंड पसलियों और उरोस्थि में विभाजित किया जाता है, उपांगी कंकाल में नाखून बाल रोम शामिल किया जाता है। तो ये तो सही है चौथा वाला, आपसे गलत पूछा है ना, तो ऐसा कर लीजिए, तीन उपांगी कंकाल में नाखून बाल रोग ये शामिल किया जाता है, रोम माने रोमा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि असत्य ही पूछा है, क्योंकि ये बाह्य कंकाल में आते हैं, उपांगी में नहीं, बाह्य में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो 306 होती है, 100 हड्डियां बड़े होने पर जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 206 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बायोडीजल बनाने वाली कौन सी वनस्पति है बताइए? जेट्रोफा का नाम सुना है ना, जेट्रोफा या रतन ज्योत, ये बायोडीजल वाला पौधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सरल फल किसका उदाहरण होता है? सरल फल का उदाहरण है बताइए, सरल फल आम, नींबू, शहतूत, कटहल, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, अंजीर और रसबरी, यहां पे हो जाएगा सरल फल ना, आम नींबू। सरल फल कौन से हैं? आम नींबू। देखिए, अगर फलों के वर्गीकरण की बात करें तो तीन तरह का फल होता है, एक होता है सरल फल, दूसरा होता है पुंज फल, तीसरा होता है झूठा फल। ठीक है, क्या क्या? सरल, पुंज और झूठा। तो अगर मैं सरल फल की बात कर दूं तो ऐसे फल होते हैं जो पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का विकास होता है, जैसे आम, आम की एक गुठली से एक पौधा बन गया, एक पौधा ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखिए आम नींबू ये जो होते हैं ये इसके उदाहरण है। पुंज फल में क्या होता है कि इसमें फलों का विकास पुष्प के अनेक विलगित स्त्री केसर जो होते हैं उनसे होता है, तो शरीफा उफिया हो गया, कमल वगैरह हो गया, वो इससे होता है। समग्र फल, ये समग्र यानी ये असत्य फल की बात कर रहा है, जो फल नहीं होता है इसलिए उनको झूठा फल भी कहा जाता है, जैसे सेब वगैरह हो गया, शहतूत हो गया, अनानास हो गया, अंजीर हो गया, ये लगते तो फल है लेकिन फल होते नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए। करा निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो मीठे और खट्टे, सरस एवं शुष्क, सत्य और असत्य फल आप कह सकते हो, ये तीसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? जो दोनों को जन्म देता है उभयलिंगी है, क्योंकि नर और मादा दोनों है, तभी तो उभयचर है कॉमन। तो याद रखिएगा, उभयलिंगी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली सीरीज जो बायोलॉजी की आएगी उसमें 50 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन किया जाएगा, ताकि आपका बायोलॉजी का ये एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, एनसीईआरटी का निचोड़ दिया जा रहा है और किसी
किसी भी एग्जाम को देने से पहले ये सीरीज जरूर देखें, आपके लिए बड़ी हितकारी, उपयोगी, लाभकारी साबित होगी। ठीक है, आपसे निवेदन है और अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज आप अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक आईडी पर और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर किसी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हैं तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप वीडियोज को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोज पहुंच पाए और लोगों का हित हो सके। आप सभी का धन्यवाद, अगर इतना साथ देते रहेंगे दोस्तों तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।